मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आज यहाँ पे देख रहे हैं मेरा विशाल सामान सब निकाल रहा है। तो आज मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, पूरा किचन का पूरा क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, 1 महीने पहले ही मैं दिवाली का क्लीनिंग चालू कर दी हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैंने आप पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि मेरी एक चचेरी सास मर गई है। तो हमारे इधर होता है ना कि 10 डेज होता है तब साफ सफाई वगैरह सब चालू करना होता है, तो कपड़े वगैरह या सब साफ सफाई। तो इसलिए मैं ये साफ सफाई चालू कर दी हूँ और थोड़ा सा मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे हस्बैंड भी लगे हुए, हम तीनों लगे हुए हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर दी हूँ क्योंकि अभी दिवाली पास में आ गई, नवरात्रा आ गई है, तो बार बार निकालना होता नहीं। और ये ऊपर का जो सामान होता है वो तो बार बार नहीं ही होता है निकालना। तो विशाल तो ऊपर बैठा ही था बट इसको इससे नहीं हो रहा था, मतलब इसका हाइट बड़ा था इसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा हमारे हस्बैंड भी मदद कर दिए थे और साफ़ कर दिए थे। उसके बाद ऊपर का सब क्लीन करने के बाद यहाँ पे सारे जितने बर्तन थे सब निकाल के मैं धोने लगी हूँ। धो के सबको सुखा के पोंछ के फिर रखूँगी। तो सबका सामान अलग हटा हटा के यहाँ पे धो रहे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले का बर्तन लेके मैं बैठी हूँ। तो अभी पूरा मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद इसको सूखने के लिए डालूंगी। ऐसे तो मैं धूप में डाल देती हूँ सूखने के लिए, लेकिन अभी धूप नहीं है, बारिश का भी वातावरण हो रहा है, तो इसलिए मैं बालकनी में डाल दूंगी जी, इसका पानी निकल जाए। और उसके बाद कपड़े से पोंछ पोंछ के इसमें सब सामान फिर लगाऊंगी मैं। ये देखिए यहाँ पे सारा मेरा धो के हो चुका है और लगभग 10:30 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी चाय भी बनाने को रख दी थी उधर गैस पे, और ये मेरा सारा क्लीन हो गया है। और उसके बाद जब मेरा सारा होने के बाद इधर मैं पेपर वगैरह चेंज कर दी हूँ। चेंज करने के बाद अभी जितना डब्बा था वो सब ज़रा पोंछ पोंछ के मैं फिर से लगा रही हूँ, सब में सामान जो है वो मैं लगाऊंगी अभी। और ये सब डब्बे सब मैं यहाँ पोंछ रही हूँ और मैं पोंछते पोंछते हंस भी रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो उधर से मेरे हस्बैंड कुछ तो बोल रहे थे मुझे कि ऐसा कहीं भी चालू हो जाता है वीडियो बनाना है वो, तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे। मैं बोली काम भी करते रहो और वीडियो भी बनाते रहो, दोनों साथ में चलता है, क्योंकि हमारा ब्लॉगिंग है तो डेली रूटीन ही मैं दिखाऊंगी ना, तो इसकी वजह से तो काम का ही बनाना पड़ता है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ और ये मेरा जो बर्तन स्टैंड है वो मैं लेके आ गई हूँ। तो ये बड़ा होता है ना, तो इस बाथरूम में धोने में बनता नहीं है, इसकी वजह से मैं छत पे लेके आ गई हूँ और छत पे इसको धो रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ उसको भी साबुन से धो के, और फिर पानी से धोऊंगी इसको। कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूरे ब्लॉगर अंजना ठाकुर में। आज अभी मॉर्निंग का 11 बज रहा है और मैं अपना वीडियो चालू करती हूँ। वीडियो ऐसे मेरा कल से ही चालू है, उसी में मैं ऐड करने वाली है। और कल क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, आज भी क्लीनिंग वगैरह चालू है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं सामान डाल के रखी हूँ, पीछे कर्टन्स वगैरह जो था सब धो रही हूँ। सब सुबह से साफ सफाई ही चालू है और साथ साथ में उपवास भी है, जो जितिया का उपवास होता है वो भी है। तो हर जगह से हो रहा है अलग अलग टाइमिंग के साथ, लेकिन हम लोग के इधर कल कल ना शाम से ही 3 बजे से अभी आज शाम के 5 बजे तक फास्ट रखना है, जो कि बिना पानी का होता है। बाल वगैरह देख सकते हैं, बाल में कंघी नहीं करनी होती है, ब्रश नहीं करनी होती है, मुंह में उंगली नहीं करनी होती है, और सब्जी नहीं काटनी होती, लकड़ी नहीं तोड़नी, ये सब रीति रिवाज है, निभा रही हूँ मैं भी, कर रही हूँ। तो अभी बाल में कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की, ऐसे ही नहाई और एक साड़ी पहन ली, और कल शाम से ही मेरा उपवास चालू है और आज शाम को मैं छोड़ूंगी। और साथ साथ साफ सफाई भी चालू हूँ, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि मेरी एक चचेरी सास मर गई है, तो उनका अभी कल 10 डेज हो जाएगा। तो 10 दिन होने के बाद जो करना पड़ता है बाल वगैरह ये सब करना पड़ता है, तो उससे पहले हमारे सब साफ सफाई भी करनी पड़ती है, तो वो भी चालू कर दी हो। तो मतलब चारों तरफ से काम ही काम दिख रहा है, ऊपर से बीच में उपवास भी है। होता है ना कभी कभी ऐसा कि ना चाह के भी मतलब सब 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 करना पड़ता है, वही हो गया है अभी। तो अभी मैं कल तो किचन क्लीन कर दी थी, सिर्फ फ्रिज रह गया था, तो आज फ्रिज क्लीन करी हूँ, और ऊपर से एक बारिश भी साथ में जोर लगाए हुए है, कुछ भी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तो इतने ब्लैंकेट वगैरह कपड़े विपरीत इतने धोना है, अभी पर्दे वगैरह सब धोई हूँ बट डालू कहाँ ये सोच रही हूँ, क्योंकि सूखने कहाँ डालू, अभी बारिश हो रही है, अंदर डालूंगी थोड़ा सा ही डालूंगी, बाहर ज्यादा कपड़े बैठेंगे नहीं अंदर, तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। बट अभी देखती हूँ
और शाम को 5 बजे जब उठना छोड़ूंगी तब फिर थोड़ी सी ताकत आएगी, तो और काम जाना जो बचा हुआ है काम है वो करूंगी, जैसे जैसे धीरे धीरे हो रहा है वैसे वैसे कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठते उठते पहले फ्रिज की क्लीन करी हूँ, और आप लोग कुकर की आवाज़ आ रही होगी तो इधर मैं कुकर भी लगाई हुई हूँ, इसके लिए आवाज़ आ रही है इधर। और ये डब्बा डुब्बी भी मेरा साफ हो गया है, पूरा पेपर वगैरह चेंज कर दी हूँ, बट अभी ठीक से इसको लगाना है, ठीक से लगाई नहीं हूँ इसको। तो अभी ये इसका जो कवर वगैरह था वो धो के मैं रखी हूँ, बट वो अभी धूप ही नहीं है, सूखेगा कितनी देर में, उसके बाद मैं लगाऊंगी इसको। मैं इधर काम कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड देख लीजिए यहाँ पे छत पे ये मिट्टी वगैरह लगा रहे हैं, तो ये मेरा फिश टैंक था जो कि ख़राब हो चुका है, तो इसमें मिट्टी डाले हैं, तो हम बोले कि ऐसे ही पड़े हुए इसमें मिट्टी डाल के रख देते हैं, कुछ लगा देंगे इसमें। तो इसमें जो अरुई का पत्ता होता है उसका मेरे पास बीज था तो मैं वो डालने वाली उसमें, और पालक की बीज बहुत दिनों से मैं रखी थी, तो मैं सोची कि ये थोड़ा सा बड़ा है पॉट, मतलब फिश टैंक है बट मतलब गहराई है इसमें, तो इसमें अच्छे से आ जाएंगे, इसके वजह से मैं इसमें अभी पालक और ये लगाने वाली हूँ। तो इनको मैं बोली थी तब तक मिट्टी विट्टी डाल दीजिए उसमें, मैं किचन वगैरह उधर साफ़ कर रही थी तब तक, तो ये यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, और विशाल मेरा थोड़ा सा इसका शूटिंग किया है। तो अभी मैं खाना भी बना रही हूँ उधर, तो चलिए मैं आज अपने वीडियो का, कल से मेरा वीडियो चालू है, तो आज मैं यहीं पे इंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।